अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ीशान अज़ीज़ हूँ। तीन अहम खबरें हैं। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। क्या इमरान खान साहब को इस मुलाकात का पता है? क्या उनसे इजाज़त ली गई शहबाज शरीफ साहब से मिलने से पहले, या उन्हें बताए बगैर अली अमीन गंडापुर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करके चले गए? ये मैं आपको बताऊँगा। दूसरे नंबर के ऊपर कुछ वज़रा हैं जिन्होंने तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया है, और उनकी जो इंटरेस्टिंग कहानी है कि कौन कौन वो वज़रा हैं, उनके मैं आपको नाम बताऊंगा। और फिर मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी के टायर मैचिंग पोशिश और जो पांव रखने वाले मैट्स होते हैं वो कौम को 2,17,00,000 रुपए में पड़े हैं जी, इसकी भी डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी अली अमीन गंडापुर साहब की। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और उनके सामने अपने चंद मुतालबात रखे। उन्होंने अपने सूबे के हवाले से कुछ फंड्स थे जो रुके हुए थे और कुछ मुतालबात थे जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब की भी तैनाती थी, और फिर उसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से भी बात की जिससे उनको रोका गया। देखें, पहले अली अमीन गंडापुर साहब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो धांधली के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो ओथ सेरेमनी थी उसके अंदर भी वो नहीं गए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं फॉर्म 45-47 वाले को जो है वो वज़ीर आज़म नहीं मानता हूँ। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ है कि अली अमीन गंडापुर साहब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने चले गए, और वो भी तब जब एक रात पहले उनकी नाअहली के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के अंदर काबिल समात हो जाती है, और अगले दिन अली अमीन गंडापुर जो हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करने पहुँच जाते हैं, और मुलाकात के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि बड़ी मस्बत मुलाकात थी और हमारे मुतालबात भी माने गए हैं। इस चीज के ऊपर जो सवाल उठाया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि क्या अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अच्छे बच्चे हो गए हैं, और वो अब इमरान खान साहब से पूछे बगैर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए गए हैं? तो इसका जो जवाब है वो है जी नहीं। अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब की बाकायदा इजाजत के बाद शहबाज शरीफ साहब से मिलने गए। इमरान खान साहब ने जो मेरे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने एक प्लान बनाया है, और इमरान खान साहब का प्लान ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अली अमीन गंडापुर सूबे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करें, और सूबे के अंदर जो तरक्याती काम है और जो अवाम को रिलीफ देना है वो उसके ऊपर फोकस करें, जबकि पंजाब और वफाक के अंदर खान साहब ने ये प्लान बनाया है कि पंजाब की काबीना और वफाक के अंदर जो हमारे लोग हैं वो सब के सब एहतजाजों के लिए भी निकलेंगे, वो सब के सब धरने भी दें, एहतजाज भी करें, और गवर्नमेंट को टफ टाइम भी दें। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब गुड कॉप, या जिसको आप हमें एक लॉजिक होती थी जी कि जी गुड कॉप एंड बैड कॉप, वो अच्छा है वो बुरा है, अली अमीन गंडापुर को इस वक्त गुड कॉप बनाया जा रहा है ताकि वो अपने जो फंड्स हैं वो रिलीज करवा सकें, जो तैनातियां उन्होंने करवानी है वो तैनातियां वो करवा सकें, और सूबे के अंदर वो काम करवा सकें। अली अमीन गंडापुर साहब को मैंने आपको कल भी वीलॉग के अंदर बताया था कि उनको क्या पैगाम भेजे गए थे। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब को ये क्लियरली मैसेज दिया गया था कि आप धांधली के ऊपर खामोश हो जाएं, आप इमरान खान के ऊपर खामोश हो जाएं, आप ये जो खवातीन आपकी बंद हैं आप इनके ऊपर खामोश हो जाएं, वरना ये जो आपको वजारत मिली गई है ये वजारत उड़ाना चुटकी का काम है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया पॉजिटिव, जिसके बाद कल रात को इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त चली गई, काबिले समात हो गई, और फिर उसके बाद यूँ लग रहा था कि अली अमीन गंडापुर साहब की वजारत आला जाने वाली है। लेकिन अब इमरान खान साहब ने जो इसको टैकल किया वो इस तरह टैकल किया है कि अली अमीन गंडापुर साहब को गुड कॉप बनाकर वो अपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अच्छी गवर्नेंस करेंगे, और बाकी जो गवर्नमेंट को टफ टाइम है वो पंजाब के अंदर दिया जाएगा, वफाक के अंदर दिया जाएगा, और उसको जो सपोर्ट मिलेगी वो खैबर पख्तूनख्वा से मिलेगी सपोर्ट उसको। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब और वफाक अपने दम के ऊपर एहतजाज भी करेगा, रैलियां भी निकालेगा और गवर्नमेंट को टफ टाइम भी देगा, केपीके से सपोर्ट जरूर मिलेगी। अब जो चीज है दूसरे नंबर के ऊपर वो ये है कि इमरान खान साहब की क्या किसी से डील हो रही है जी? तो इसका जो जवाब है वो है जी नहीं। डील की कोशिश की गई, बार बार डील की कोशिश की गई इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब के सामने चंद मुतालबात रखे गए, उन्हें कहा गया कि जी आप बनीगाला चले जाएं, वहां पर 3-3.5 साल के लिए खामोश बैठ जाएं, 2 साल के लिए खामोश बैठ जाएं, और फिर ये जो आपके लोग हैं हुकूमत कर रहे हैं आप इनको हुकूमत करने दें, और तीसरी जो बड़ी चीज है वो ये कि आपके नाम के ऊपर क्रॉस लगाया जा चुका है, आप और नवाज शरीफ अब ताहयात वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। इमरान खान साहब ने
ये तमाम जो मुतालबात हैं, ये जो डील उनको ऑफर की गई, इसमें उनको रिहाई भी ऑफर की गई थी, उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब ने अपने चंद मुतालबात रखे थे जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नंबर वन उन्होंने धांधली के ऊपर चंद हलके खोलने का कहा था। उन्होंने कहा था कि ये कुछ हलके हैं, आप इनको खोल लें, इसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि अवामी मैंडेट क्या है। फिर वो अपनी जो खवातीन हैं जो इस वक्त जेलों में कैद हैं उनकी रिहाई के ऊपर बात करते हैं, और तीसरे नंबर के ऊपर वो ये बात करते हैं कि जिस शख्स ने इस मुल्क को लूटा है और आईन के तहत जो उनकी सजा बनती है आप उनको सजा दें, उनको प्रोटोकॉल देना आप बंद कर दें। तो इमरान खान साहब की जो डील है वो अगर कोई कह रहा है इस वक्त कि डील की बातें चल रही हैं या डील हो रही है, वो सब कुछ मेरे ज़राए के मुताबिक झूठ है। कोई डील नहीं हो रही, कोई डील की बात नहीं की जा रही, बार बार ऑफर की जा रही है मगर इमरान खान साहब बार बार उस ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं। अब मैं आता हूं जी मरियम नवाज साहिबा के ऊपर। मरियम नवाज साहिबा के बारे में आज एक खबर गर्दिश कर रही थी जो मैं पढ़ रहा था कि मरियम नवाज साहिबा अवाम को जो ट्रैफिक उनके लिए रोकी जाती है उस मुश्किल से बचाने के लिए वो हेलीकॉप्टर का सफर करेंगी और उस हेलीकॉप्टर का जो खर्चा होगा वो अपनी जेब में से वो देंगी। अब ये खबर पहले तो शॉकिंग थी, मैं पहले ये खबर सुनकर थोड़ा हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ कि मरियम नवाज साहिबा को शायद पाकिस्तानी अवाम का ख्याल आ गया, लेकिन मेरी ये जो उम्मीद है वो फौरन टूट गई जब मेरे सामने ये खबर आई कि मरियम नवाज साहिबा की जो गाड़ी है जो उनको वजीर आला के तौर पर मिली हुई है गाड़ी, बुलेट प्रूफ जो गाड़ी है उनकी मर्सिडीज, उसके टायर तब्दील करवाने के लिए और उसकी मैचिंग पोशिश और जो मैट होते हैं नीचे पांव रखने के लिए, उसके लिए जो खजाना है, जो गरीब मुल्क है इसकी अवाम के टैक्स से 2,17,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो वो मरियम नवाज साहिबा जो गरीब लोगों को आटे बांट रही हैं, जो कभी कहां पर पहुंच जाती हैं, कभी स्कूलों में पहुंच जाती हैं, कभी अस्पतालों में पहुंच जाती हैं कि जी दवाइयां क्यों महंगी मिल रही हैं, शॉर्टेज क्यों हो रही है, आटा क्यों नहीं मिल रहा, ये महंगाई क्यों हो रही है, चीनी क्यों महंगी हो गई है, सब्जी क्यों महंगी हो गई है, वो इसी गरीब अवाम के टैक्स से 2,17,00,000 रुपए के सिर्फ और सिर्फ टायर तब्दील करवा रही हैं और गाड़ी की जो पोशिश है वो मैचिंग में करवा के जा रही हैं जी। अब हो सकता है कि कल को गाड़ी के जो रिम है वो भी पिंक कलर के आ जाएं और फिर ये भी मुतालबा किया जाए कि ये जो हेडलाइट्स हैं इनको भी पिंक कर दिया जाए, फिर कलर का भी मुतालबा आ सकता है कि इसको भी पिंक कर दिया जाए। तो ये जो मैचिंग है हो सकता है कि इस तरह तब्दील करने की ख्वाहिश की जाए, और ये भी हो सकता है कि एक महीने के बाद वो थक जाए और वो ये कहें कि आप पिंक से इसको येलो कर दें या फिर येलो से इसको रेड कर दें क्योंकि एक महीना पिंक को बर्दाश्त कर लिया मैचिंग में, तो कुछ भी हो सकता है जी। तो वो जो हेलीकॉप्टर वाली खबर थी वो तो अब आने वाले वक्त में पता लगेगा कि जी वो वाकई अपनी जेब से पैसा दे रही हैं या फिर वो भी जो खजाना है उसको कहीं से लीक करके टीका लगाया जाएगा और आवाम को वो हेलीकॉप्टर कितने में पड़ेगा ये तो इनके जाने के बाद पता लगेगा। अब कुछ वज़रा हैं जी और सदर साहब हैं आसिफ जरदारी साहब और मोहसिन नकवी साहब, इन लोगों ने जी जो एज अ मिनिस्टर और एज अ प्रेजिडेंट जो तनख्वाह है वो लेने से इनकार कर दिया है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अब देखे प्रेसिडेंट की तनख्वाह चंद लाख रुपए होगी और इसी तरह जो मोहसिन नकवी साहब हैं वजीरे जो दाखला हैं उनकी तनख्वाह भी चंद लाख रुपए होगी, 2-3-4 लाख रुपए होगी, तो उसको उन्होंने से लेने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ये लोग तनख्वाह तो नहीं लेंगे लेकिन मिनिस्टर इनक्लेव्स के अंदर जो 30-30, 40-40 करोड़ रुपए के बंगले हैं उनके अंदर रिहायश पजीद होंगे, ये वहां के जो लाखों रुपए के बिल आएंगे वो भी अवाम को टीका लगाया जाएगा, वहां पर ये मुफ्त में रहेंगे, फिर 8-8 करोड़ की गाड़ियों के अंदर सफर भी करेंगे, मुफ्त हवाई जहाज के टिकट भी लेंगे, पूरे खानदान के लेंगे जब ये बाहर जाया करेंगे, और फिर वहां पर 2-2 लाख रुपया का जो पर नाइट का होटल है उसके अंदर भी ये रिहायश पजीर होंगे, वो भी अवाम के टैक्स के पैसों से होंगे, किसी की बेटी वजीर आला है, किसी का चचा वजीर आजम है, किसी का दामाद वजीर खारजा बना हुआ है, वजीर दाखला बना हुआ है, तो किसी का जो बेटा है वो इस वक्त किसी का बाप जो है वो सदर बना हुआ है, तो कुछ चंद लाखों रुपए की जो तनख्वाह है वो छोड़कर करोड़ों रुपए के बंगले, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, फिर ये जो टिकट्स हैं उसके बाद ये जो खानदान की सैरें होंगी और फिर होटलों के अंदर जो लाखों रुपए के ये किराए भरे जाएंगे वो सब के सब लिए जाएंगे, ये चंद लाख रुपए की तनख्वाहें जो बचाई गई हैं इन तनख्वाहों से क्या करना चाहिए ये मैं बताता हूँ जी। इन तनख्वाहों से 24 करोड़ लोगों को राशन देना चाहिए,
24 करोड़ लोगों में से कम 15 करोड़ लोगों के इंतखाओं से घर बन जाने चाहिए, बिजली सस्ती हो जानी चाहिए, पेट्रोल सस्ता हो जाना चाहिए, डीजल सस्ती हो जाने चाहिए, और फिर जब पैसे बच जाएं तो फिर सब लोगों को मुफ्त हर महीने सब्जी भी दी जाए, उसके बाद भी अगर इससे पैसे बच जाते हैं तो लोगों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, फिर भी अगर पैसे बच जाते हैं तो IMF की जो किस्तें हमने देनी है वो किस्तें भी वापस कर दी जाए। ये आज की जो तीन अहम खबरें थी, चार वो मैंने आपके सामने रखी हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आपके खिदमत में हाजिर होंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।